ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरा से हरिपुर सड़क के कार्य में विभाग द्वारा लापरवाही से काम करने और इसमें कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की आशंका के आरोप युवा भाजपा नेता सुकृत सागर ने लगाए हैं। सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही की शिकायत युवा नेता सुकृत सागर ने SP विजिलेंस धर्मशाला से करते हुए मामले की जाँच की मांग की है। देहरा से हरिपुर सड़क के कार्य में विभाग द्वारा लापरवाही से काम करने और इसमें कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के आशंका के आरोप युवा भाजपा नेता सुकृत सागर ने लगाए हैं। सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही की शिकायत युवा नेता सुकृत सागर ने SP विजिलेंस धर्मशाला से करते हुए मामले की जाँच की मांग की। सुकृत सागर का आरोप है कि उक्त सड़क का 2 साल में मात्र 20% कार्य ही पूरा हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग द्वारा जिस ठेकेदार को सड़क निर्माण का ठेका दिया गया था उसने नियमों के विपरीत उस कार्य को आगे सबलेट कर दिया है। यही नहीं, निर्माण कार्य में हो रही लेट लतीफी पर विभाग ठेकेदार को 73 लाख का जुर्माना भी लग चुका है। उक्त सड़क के लिए लगभग 3.5 साल पहले देहरा के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह रवि ने केंद्रीय सड़क नीति से 10 करोड़ रूपए स्वीकृत करवाए थे। 2 साल बीत जाने के बाद अभी तक 1 इंच भी टायरिंग नहीं हुई है। इस सड़क पर कुल 55 के करीब छोटी बड़ी पुलियां बननी थी, जिसमें अभी तक सिर्फ 21 छोटी पुलियों का ही निर्माण हो पाया है। इसके साथ बी शेप ड्रेन बननी थी, जिसका अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ है। पूरी सड़क में सिर्फ 15% ढंगे तथा पैरापिट लगाए हैं। 17 किलोमीटर के इस सड़क में सिर्फ 6 किलोमीटर के आसपास ही सेलिंग हुई है। सुकृत सागर ने बताया कि मैंने कुछ समय पहले भी इस सारे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री महोदय से की थी, जिसके बाद तत्कालीन एक्सिन लेनोवी देहरा ने इस ठेकेदार पर 73 लाख का जुर्माना लगाकर इसका ठेका रद्द करने की सिफारिश चीफ इंजीनियर से की थी, लेकिन बाद में ठेका रद्द न करके ठेकेदार को अतिरिक्त समय दे दिया गया। देहरा के युवा भाजपा नेता सुकृत सागर ने कहा कि SP विजिलेंस को देहरा हरिपुर सड़क में बरती गई लापरवाही को लेकर शिकायत पत्र दिया गया है। मेरा आरोप है कि इस सड़क के निर्माण में प्रभावशाली लोगों के दबाव में भ्रष्टाचार हुआ है। इस सड़क का 20% कार्य ही पूरा हुआ है। इसकी शिकायत पहले CM से की गई थी, जिस पर तत्कालीन एक्सिन ने ठेका रद्द करने की सिफारिश चीफ इंजीनियर से की थी, लेकिन ठेका रद्द न करने ठेकेदार को और समय दे दिया गया था। मेरी मांग है कि जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए जो भी दोषी हो उन पर कार्यवाही की जाए। आज मैंने स्टेट विजिलेंस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनको मैंने शिकायत की है देहरा से हरिपुर सड़क के बारे में, और इसमें मेरा मुख्यतः आरोप है कि इस सड़क में बहुत सी लापरवाहियाँ और कुछ एक प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से इस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि आज से लगभग 2 साल पहले इस सड़क का जो टेंडर हुआ था, लेकिन आज तक सिर्फ इस पर 20% ही काम हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने इस सड़क की शिकायत मुख्यमंत्री महोदय से की थी, और उस समय तत्कालीन अधिशासी अभियंता ने मुख्य अभियंता से इस ठेकेदार का ठेका रद्द करने के लिए कहा था और 73 लाख का जुर्माना लगाया था, लेकिन बाद में पता नहीं किसके दबाव में जो है वो उसका ठेका तो रद्द नहीं हुआ, लेकिन उसको और समय दे दिया गया। तो मेरे पूरा का पूरा आरोप जो ये है कि कुछ प्रभावशाली लोगों की वजह से उस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, लापरवाही हुई है, मिलीभगत हुई है, जिस वजह से ये सड़क आज 2 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ 20% हुई है। तो मैंने पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता विभाग से मांग की है कि आप इसकी जांच करें, और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो, और जांच करके जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। SP विजिलेंस S अरुल कुमार ने कहा कि सुकृत सागर ने देहरा हरिपुर सड़क निर्माण को लेकर शिकायत पत्र दिया है, जिसमें सड़क निर्माण को लेकर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत पत्र में निर्माण में लापरवाही बरतने, कम पैसे में टेंडर अलॉट करने तथा क्वालिटी ऑफ वर्कर पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत मिस्टर सुकृत सागर फ्रॉम हरिपुर गुडेर से हमको दिया। इसमें एलिगेशन ये है, एक PWD का एक सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है, उसमें जो उस काम में काफ़ी कुछ इरेगुलरिटीज हुआ और जो एस्टिमेटेड अमाउंट से भी नीचे जो टेंडर ने वर्क किया, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क में भी काफ़ी जो एलिगेशन ने लगाया, तो इस पर हम जांच करेंगे, इंक्वायरी शुरू करेंगे, एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड अदर करेंगे। अगर केस बनता है, अगर उन्हें एविडेंस मिलता है,
then we will go for registration of proper case.